ओके सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेडिक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी जेड फोल्ड 4 के बारे में। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि सैमसंग ने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले एंड्रॉयड 13 का जो बीटा अपडेट था या बीटा प्रोग्रामिंग था वो काफ़ी टाइम पहले चालू की हुई थी। एंड इंडिया के अंदर भी हमें जो है बीटा अपडेट्स देखने को मिल गए थे सैमसंग के गैलेक्सी जेड फोल्ड 4 सीरीज़ के लिए, या फिर आपके जेड फोल्ड 4 और जेड फ्लिप 4 के लिए। बट यहाँ पर जो बीटा यूजर्स थे उनको रिसेंटली स्टेबल एंड्रॉयड 13 का जो अपडेट है वो मिल रहा है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो एंड यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये स्टेबल है एंड अपडेट की जो फाइल है वो अराउंड 360 MB, ओके 360 MB की है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अपडेट है ये रिलीज़ किया गया है जिन्होंने बीटा में रजिस्टर किया हुआ था जो बीटा यूज़र्स थे। बाकी यहाँ पर जो स्टेबल यूज़र्स हैं जिन्होंने एंड्रॉयड 13 बीटा में रजिस्टर नहीं किया था, जो अभी भी एंड्रॉयड 12 पर चल रहे हैं, उनके लिए जो अपडेट है वो कुछ टाइम बाद रिलीज़ किया जाएगा। ऑल्दो ये जो अपडेट है ये सैमसंग ने अभी आउट ऑफ इंडिया USA में ही रिलीज़ करा है, तो ये USA के मॉडल के लिए है। बाकी इंडिया के लिए सैमसंग बहुत जल्दी अपडेट को लेकर के आने वाला है, एंड हो सकता है कि अब तक शायद रिलीज़ भी हो गया हो, क्योंकि कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि इंडियन फॉर्मवेयर आ चुकी है। एग्जैक्टली पता नहीं कि FOT के थ्रू आया नहीं आया, बट फॉर्मवेयर अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप चाहें, अगर आप एंड्रॉयड 12 स्टेबल पर हैं तो फिर आप डायरेक्ट एंड्रॉयड 13 स्टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर्मवेयर के थ्रू, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उससे जो है आपका पर्सनल डेटा वगैरह सब डिलीट हो जाता है एंड आपका कम्प्लीटली जो डिवाइस है एकदम रीसेट हो जाता है। हालांकि उससे काफ़ी सारे एडवांटेज भी है, बट डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि आपका डेटा कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। खैर, यही था आज की इस वीडियो में। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड्रॉयड 13 स्टेबल की रिगार्डिंग। एंड मिलते हैं आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।